हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म में बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीरियल ससुराल सिमर का 2 की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जब से सीरियल में धामी की एंट्री हुई है, तब से ही आरव और सिमर की ज़िंदगी में मानो भूचाल आ गया है। जी हां, एक बार फिर से आरव और सिमर के रास्ते अलग हो रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि धामी ने एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। बताना चाहते हैं आपको कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सिमर और आरव का उसवाल मेंशन में होगा गृह प्रवेश, उसके बाद धामी दिखाएगी बहुत ही ज्यादा तेवर। इतना ही नहीं, घर में एंट्री होने के बाद धामी संध्या यानी कि आरव की मम्मी को मम्मी कहकर पुकारेगी और इस बात पर सिमर काफी भड़क जाएगी। सिमर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी और सिमर हैरान होकर धामी को कहेगी कि मम्मी, तुम मम्मी क्यों कह रही हो संध्या माँ को? ऐसे में धामी कहेगी कि क्या हुआ, मैं मम्मी नहीं कह सकती। इतने में सिमर कहेगी कि नहीं, ये मम्मी नहीं, ये तो तुम्हारी आंटी है। ऐसे में सिमर का साथ देती नजर आएगी संध्या। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संध्या अब सिमर को माफ कर चुकी है और सिमर के साथ आकर खड़ी हो गई है संध्या। और संध्या कहेगी कि ये बहुत बड़ा टाइटल है माँ शब्द, और मैं ये हक सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ, तुम मुझे मम्मी नहीं बल्कि आंटी कहा करो। ऐसे में धामी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि आपको नहीं पता कि मैं और आरव के बीच में क्या हुआ है, ऐसे में मैं आपको अभी नहीं समझा सकती हूँ, तो इसीलिए कोई बात नहीं, हम कम टू द पॉइंट आते हैं और हम लेटेस्ट जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं और मैं आपको आंटी ही कहूँगी। इस तरह की बातें धामी करती नजर आएगी और धामी की बातों को सुनकर आरव और विवान काफ़ी ज़्यादा सख्ते हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। आरव के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। आरव को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि उसे धामी की इन बातों पर आ रहा है, लेकिन वो कुछ चाह कर भी नहीं बोल पा रहा। अब ऐसे में सिचुएशन को देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि धामी लाख कोशिशें करेगी अब सिमर और आरव को अलग करने की, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा क्या वाकई में धामी सिमर और आरव के रिश्ते को तोड़ पाएगी, क्या इन दोनों के बीच में धामी ला पाएगी दूरियां, क्या वाकई में सिमर और आरव के बीच में अब धामी बन गई है तीसरी। ऐसे में ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं और वही अब बड़ी माँ सिमर को अपना चुकी है और बड़ी माँ ने कहा है कि मैं गीतांजलि देवी ओसवाल पहली बार ये बोल रही हूँ कि सिमर हमारे घर की बड़ी पोता बहू है और मैं उसे एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब आज सच सही मायनों में ये परिवार पूरा हुआ है, सिमर हमारे घर का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है और अब सिमर के बिना ओसवाल परिवार हमेशा अधूरा है। इस तरह की बातें गीतांजलि देवी सिमर के लिए कहती है, सिमर की आंखें नम हो जाती है। वही अब कहानी में धामी की भी शॉकिंग एंट्री हो चुकी है, देखना दिलचस्प होगा कि कहानी अब क्या रंग लाएगी। इस वीडियो में इतना ही।